हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल द कौर्स किचन्स। मैं हूँ गुरजीत कौर। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए धनिया के कैसे स्टोर किया जाए। जैसे कि आप जानते हैं गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अब धनिया गुड बाय कर रहा है और ये फूड में कितना फ्लेवर लाता है अब सब लोग जानते हैं। तो इसको कैसे स्टोर करना है और कैसे हम धनिया का फ्लेवर साल भर ले सकते हैं, देखते हैं। इसको धनिया को मैंने धो लिया है 3 से 4 पानी में और इसको मैंने दुपट्टे के ऊपर अच्छे से फैला दिया है, ठीक है। और ये मैंने पंखे के में ही सुखाया है, धूप में नहीं सुखाया है। यहाँ मैंने पंखे के नीचे बेडशीट बिछा के इस धनिये को मतलब 3 से 4 पानी में अच्छे से धो के इसका पानी निकाल दिया था और बाकी का पानी अच्छे से सूख जाए उसके लिए मैंने इसको बेडशीट के ऊपर फैला दिया है, ऊपर फ़ैन चला दिया है और इसको अच्छे से फैला देना है। तकरीबन ये मेरे पास जो है 1/2 किलो से ऊपर का धनिया है। इसको मैंने अच्छे से साफ़ करके इसकी पीली पत्तियाँ जो हो गई थी वो मैंने निकाल दी है। ये जो आपको शेड दिखाई दे रहा है ये मेरे ऊपर की पीली लाइट है, ये ऑन ऑफ हो रही है। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए अच्छा सा इसको फैला दिया, ये लाइट बंद कर देती हूँ, पीला सा शेड कर रही है ये। इसको अच्छे से फैला देंगे और इसको मतलब 3 से 4 दिन अच्छे से ड्राई होने में लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरा ये 3 से 4 दिन में ये अच्छे से सूख गया है और इसमें से क्रंची सी आवाज़ भी आ रही है। और मैंने इसको दुपट्टा देके थोड़ा सा शेड में रखा था ताकि इसको सन की हीट लगे, ताकि इसका अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह गया थोड़ा बहुत तो इसमें फंगस लग सकता है। और ये अब अच्छे से ड्राई हो चुका है, इसमें क्रंची सी आवाज़ आ रही है और इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं है। इसको मैं जार में डालूँगी और इसका बारीक सा पाउडर बना लूँगी। तो मैं आपको इसको जार में मिक्स करके मिक्सर में आपको पीस के दिखाती हूँ कि ये किस तरीके का पाउडर हो गया है और ये अच्छे से पिस जाता है, इसकी आप टेंशन नहीं लेंगे। मैं इसको पीस के आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जैसे सौंफ का पाउडर होता है ना वैसा महीन पिस गया है और इसको आप साल भर यूज़ कर सकते हैं जितना क्वांटिटी में रखें। अभी ये मुझे नहीं लगता साल भर चलेगा, लेकिन जितना मुझसे स्टोर हुआ। और इसको आप सब्जी में, दाल में डालकर हरे धनिए का फ्लेवर ले सकते हैं, क्योंकि सूखे धनिए का फ्लेवर अलग होता है और हरे धनिए का फ्लेवर आप सब जानते हैं बिल्कुल अलग होता है। ये औसम खुशबू और फ्लेवर होता है इसका और मैं बहुत मिस करती हूँ धनिए को गर्मी में। तो इसको अब मैं एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करूँगी। ये मैंने ये क्या है, मुझसे हो नहीं रहा है। एक हाथ से मैंने कैमरे को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से, तो मैं इसको अब ठीक है। ये देखिए ये अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में इसको हम स्टोर करेंगे और इसको डब्बा बंद करके आप थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं कंजूसी से, क्योंकि जितना धनिया हम सर्दियों में यूज़ करते हैं उतना गर्मियों में तो नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम इस फ्लेवर को अपने डब्बे में स्टोर कर रहे हैं और इसको हम इसके फ्लेवर का मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको स्टोर कर लिया है इसमें डब्बे में, डब्बा मेरा बिल्कुल ड्राई था। और अब इसको मैं चम्मच डाल के इसका ढक्कन लगा के और ये मेरा प्रिजर्व हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।